एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का आज जन्मदिन है, जिसको उन्होंने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का अपने समर्थकों को संदेश दिया था। इसी को ध्यान में रखकर सज्जन सिंह वर्मा मित्रमंडल ने नन्हे मुन्हे बच्चों को शिक्षा का संदेश देते हुए कॉपी किताबें भेंट की। इसके साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जन्मदिन आज, समर्थकों ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जन्मदिन, नन्हे बच्चों को कॉपी किताबें भेंट कर दिया संदेश, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। दरअसल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश भर में आई बाढ़ के चलते लोगों की परेशानी को देखते हुए समर्थकों को संदेश दिया था कि वे कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित न करें। इसी को ध्यान में रखकर सज्जन वर्मा मित्रमंडल ने शासकीय बाल संरक्षण आश्रम संयोगितागंज में नन्हे बच्चों के बीच अपने प्रिय नेता सज्जन सिंह वर्मा का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा ने बताया कि उन्हें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की वजह से ही पहचान मिली है, जो वे पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। उनको किताबें दी गई हैं और इस प्रकार हम सब लोग मिलजुल कर, हमारे साथी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय वासीवाल जी बैठे हैं, मुन्ना भैया बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, वो सब साथी राजेश चौकसे जी हैं, हम सब लोग मिलजुल कर अच्छे धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनका आगे को बढ़े, विश्वास बने और इसी प्रकार मध्यम गरीब पिछड़े युवक साथियों का वो हृदय की धड़कन है और इसलिए उनको हम सब लोग बड़े प्रिय एकदम से सज्जन भाई के नाम से पुकारते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। आपके द्वारा जन्मदिन मनाया गया बच्चों के साथ, साप्ताहिक जन्मदिन था आज, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी का जन्मदिन था और उनके कहे अनुसार, उनके आदेश अनुसार कि वो जिस तरीके से खुशियाँ लोगों को बांटना चाहते उनके जन्मदिन पे, तो आज हमने छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाया, उनको कापी किताब वितरण करी, उसके साथ केक काटा, मिठाइयाँ खिलाई और सुबह हमने बुजुर्गों के साथ उनका जन्मदिन मनाया था। हमारे ही आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी तीर्थस्थल बालाजी गए हुए हैं, वो पूरे प्रदेश के लिए खुशहाली और उन्नति के लिए गए हैं कि प्रदेश की जनता खुश रहे, यहाँ विकास हो, उन्नति हो, प्रदेश के लोग आगे बढ़े, इसलिए वहाँ दर्शन करने गए। और हमको उनके निर्देश है कि मेरा जन्मदिन अगर मनाना हो तो छोटे बच्चों के साथ मनाए और बुजुर्ग साथ मनाए, तो आज उनके आदेश का प्रारंभ कर रहे हैं और हम पूरे कांग्रेस परिवार यहाँ पर इकट्ठा होकर छोटे छोटे बच्चों के साथ आज जन्मदिन मनाया हमने। और हम भगवान से इस पर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनके 2023 में सरकार आएगी, उनके नेतृत्व में आए और पूरी ताकत से आए, पूरे बहुमत से आए, ताकि हम सारे लोग इस शहर का और पूरे प्रदेश का विकास कर सकें। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला राजेश चौकसे भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक सुर में बताया कि सज्जन सिंह वर्मा उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। मध्य प्रदेश के गौरव, हम सबके नेता, जनजन के नेता आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी का आज यहाँ जन्मदिन बड़े सादगी से मना रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम, ऐसे जिंदा दिल शेर दिल किसान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नीतियों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं और जो और मध्य प्रदेश में जनता का उनके ऊपर एक अलग ही स्नेह और प्रेम रहता है, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष करते करते आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, छह कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अपने कमलनाथ जी की ओर से मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सज्जन भैया खूब शतायु रहे, खूब दीर्घायु रहे, उनका हमेशा मैं हमें उनका हमेशा मैं आशीर्वाद प्राप्त करूँ, हमेशा उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहे। सज्जन वर्मा जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करते हुए आए हैं और जमीनी कार्यकर्ता है, कॉलेज से लेकर पार्षद तक और पार्षद से लेकर कई बार विधायक, मंत्री और उसके बाद देश के सर्वोच्च संस्था सांसद तक हो गए हैं। निश्चित रूप से इस शहर का नाम उन्होंने प्रदेश में और देश में गौरवान्वित किया है। हम ऐसे नेता के जन्मदिन में अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। सज्जन भाई सतायु हों, दीर्घायु हों और खूब स्वस्थ रहें।
यही शुभकामनाएं उनके जन्मदिन। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल, सज्जन सिंह वर्मा के पुत्र, युवा नेता पवन वर्मा, पिंटू जोशी और रमेश यादव भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।